दिसंबर महीने में शादी करने से बड़ा नुकसान, एक महीने में ही बीवी पुरानी हो जाती है। तू इंग्लिश में ग्रेजुएट है ना? हाँ। तो मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देगी? हाँ, बोलो। तो बता, इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? बैगन। एफ। सोच के बता ठीक से। अरे एफ यार, ई एफ, अनपढ़। ई एफ। सही से सोच ले एक बार फिर। अरे एफ यार। अबे बेवकूफ, इंग्लिश में ई के बाद आता है एन। मोदी सरकार। अनपढ़। तू है ENGLISHEN, आया ना एन। मैं सुंदर हूँ, सुंदर थी और सुंदर रहूंगी। इसी तरह तीनों काल का उदाहरण दो। ये तुम्हारा वहम था, वहम है और वहम रहेगा। सुने, आजकल मैं कुछ ज्यादा प्यारी हो गई हूँ क्या? ऐसा किसने कह दिया तुम्हें? वो मैं रोटियां बना रही थी ना, रोटी भी मुझे देख के जल गई। साजिद, जल्दी आना। साजिद, साजिद, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? बहरा नहीं हूँ मैं, सुन सकता हूँ। काम दिए ऊपर वाले ने मुझे। हाँ तो मैं भी चिल्ला सकती हूँ, गूंगी नहीं हूँ, जुबान दी है ऊपर वाले ने। ओहो मैडम, लफ्ज मेरे, गीत तेरे, गजल कोई सुना दूं क्या? हाथ मेरे, गाल तेरे, कान के नीचे तो बजा दूं क्या? ठीक मत जाइए मेरी गली में।